देखो जिथे सारी घटना वापरी है वो पाकिस्तान बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ते तुसी आप हिसाब ला सकते हो कि की हालात सूबे दे सारे दे बने हुए। कल नूं पहला तो उन्हां दा प्रोग्राम गया होया सी, हुण कागज दाखिल कराउण सुभाविक है। एसडीएम सरकार ने देनी है, रिटर्निंग अफसर ने देनी है, जिला प्रशासन ने देनी है, किसी ने नहीं देनी। क्यों नहीं, उनका शुक्र है कि वह बंदियां दी जान बच गई है, मगर इहदे नाल कैप्टाई जा रही है, फैलाई जा रही है, जो लॉलेसनेस पंजाब च फैलाई जा रही है, इहदे नाल पंजाब बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। ये अज स्थिति स्पष्ट हो सरकार आजाद ते निरपक्ष चोणां लई की इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन का भी बहुत वड्डा खेद है जगपाल संधु साहब का, एक दुकानदार जां एक रेहड़ी लाउण वाला जां एक नौकरी करन वाला उहदे च इन्नी हिम्मत है। ओपोजिशन पार्टी जे गल कह रही है कि जेड़े स्टेट दे होम मिनिस्टर ने ओह मुख्यमंत्री साहब भी ने, चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह, अज डेढ़ साल तो वध हो गया वो आपदे फार्म हाउस तो नहीं निकले। जेड़ा स्टेट का होम मिनिस्टर होवे, स्टेट का मुखिया होवे, आपदे घर चो ना निकले, तो लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात फिर जो बनने वो सारिया के सामने। ये कोई पहली घटना नहीं, इस तो पहला डकैती दिया लुट दिया जेलों च बैठे गैंगस्टरां नू हर तरीके की सुविधा मिलनी, मोबाइल फोन तो उन्होंने बर्थडे दे केक कट्टे जाने, दिन दिहाड़े मर्डर होना, दिन दिहाड़े फरौती ले जानी। ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत वड्डी चिंता पैदा हो रही थी, अज थोड़े सामने है। पहला तो यह इलेक्शन डिले कीतियां गई, इलेक्शन कांग्रेस करा नहीं रही थी, जदों दबाव पिया तो इलेक्शन की डेट लानी गई। अज एक मर्डरस अटैक, एक उन्होंने जानलेवा हमला, जे सबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हो सकता है, जेडे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी ने, मुख सेवादार ने, जेड प्लस प्रोटेक्टी ने, कागज दाखिल कराने एस डी एम के दफ्तर गए हैं, तो जे उन्होंने अटैक हो सकता तो तुम समझते हो किसी आम इंसान की जान माल की रक्षा किमें करूँ सरकार, उन्होंने की हालात होने। और हर जगह क्योंकि कागज दाखिल कराउण दा अज दा दिन है ते कल दा दिन, कल भी जो मेरे कोल खबर आई है कल भी जलालाबाद च ही गुंडागर्दी कांग्रेसियां ने कीती है। मैं उही कह रहा इहदा स्पष्ट मतलब की है कि कांग्रेस चोणां तो भज रही है, कांग्रेस नूं भी इह गल दी समझ है कि चार साल असी कुछ नहीं कीता, एक वादा नहीं पूरा कीता, लोकां नूं गुटका साहब दी सौं खा के लोकां नूं झूठ बोलिया। हुण वोटा कम्मा दे आधार ते तां पैणियां नहीं, लोकां नूं डरा धमका के डेमोक्रेसी का मर्डर करके कांग्रेस चाहुंदी है कि असी आ लोकल बॉडी कारपोरेशन दी इलैक्शन जित जाण, मगर श्रोमणी अकाली दल और पंजाब नाल प्यार करन वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग, लोकतंत्र च विश्वास करन वाले लोग, इस गुंडागर्दी के खिलाफ वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देण लई तैयार है। लड़ांगे मगर लोकतंत्र नूं बहाल रखांगे, क्योंकि यह बॉर्डर स्टेट है। देखो जिथे सारी घटना वापरी है वह पाकिस्तान बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी पर, तो जे हालात बॉर्डर स्टेट के बने हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बने हैं, तो तुसी आप हिसाब ला सकते हो कि हालात सूबे के सारे के बने हुए। देखो असी पहला ही सानू इन्हां गल्लां दा खदशा सी, ये नहीं असी रिलाइज कीता सी कि इन्हां ने मतलब एस डी एम के दफ्तर अंदर भी यह कुछ कर देना। असी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मंग कीती सी, लिखती दे के आए सा इलेक्शन कमीशन कोल, और इलेक्शन कमीशन का भी बहुत वड्डा फेदियर जगपाल संधु साहब का है कि जे वह लोकतंत्र नूं नहीं बहाल रख सकते, जे विदाउट फेयर एंड प्रेजिडिस बगैर किसी डर तो बंदा वोट नहीं पा सकता, तो फिर सुभाविक है लोकतंत्र दियां धज्जियां उड़ाउण च तो फिर सब का रोल सामने आ रहा। देखो एक मेरी गल बिल्कुल, कांग्रेस की हार अपनी हार वेखते, कांग्रेस की बकलाहट तदे पहला चोणा नहीं होण दित्तियां, ऑलरेडी चोणा साल तो वध डिलेड है, और चोणा जे हो रही ने, जे एक सबका डिप्टी सी एम तो इस तरीके जानलेवा हमला हो सकता है
तो साधारण बंदा सुरक्षित है जी। एक दुकानदार जां एक रेहड़ी लाने वाला जां एक नौकरी करने वाला उहदे च इन्नी हिम्मत है कि वह सरकार नूं टेक ऑन करके आपकी विदाउट किसी डर तो वोट पा जूगा।